Good morning, class 3rd. How are you all? Are you all fine? Okay, so this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now, class, open your book and come to page number 9999. Okay? So today we will do some book work. Okay? स्टार्ट we'll फ्रॉम out your pencil योर पेंसिल फर्स्ट question चित्र देखिए और उनके अर्थ दिए गए शब्दों से छाट कर लिखिए चित्र देखने आपको यहाँ पे क्या बनाए ये एक पेड़ बनाए ओके और यहां से आपको शब्द कर यहाँ पे लिखने हैं ये कौन से शब्द होंगे पर्यायवाची शब्द या फिर हम कह सकते हैं कि समान अर्थ वाले शब्द ओके तो पेड़ एक तो पेड़ होता ही है आप सभी को पता है सो राइट डाउन पेड़ पेड़ को और क्या बोलते हैं हम वृक्ष वृक्ष भी बोलते हैं ना सो राइट डाउन वृक्ष और पेड़ को क्या बोलते हैं हम तरु भी बोलते हैं ओके सो so, पेड़ को हम क्या क्या बोलते हैं एक तो पेड़ बोलते हैं और क्या बोलते हैं वृक्ष भी बोलते हैं और तरु भी बोलते हैं ऑल राइट नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पे आपको क्या बना दिख रहा है एक हाथी बना दिख रहा है राइट सो राइट डाउन हाथी हाथी को हम हाथी बोलते हैं और क्या बोलते हैं ये हम अभी फिर से ढूंढेंगे एक हम बोलते हैं हाथी को गज ओके okay? गज भी बोलते हैं हम हाथी भी बोलते हैं और एक और क्या बोलते हैं हम हस्ती भी बोलते हैं हस्ती ओके okay? सो so, गज और हस्ती सो so, राइट है गज गज आ त तपे बड़ी की मात्रा ती हस्ती नेक्स्ट क्या है ये वॉट इज दिस चांद राइट so, डाउन चांद अब फिर से हम ऑप्शंस में देखेंगे और क्या बोलते हैं हम चंद्रमा भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं हम इंदु भी बोलते हैं ओके सो तो चंद्रमा और इंदु, ओके एक ऑप्शन यहां पे शशि भी दिया है बट हमने एक चांद लिख दिया है जो कि इजी है ओके तो एक हम चंद्रमा और एक लिखेंगे हम इंदु, चंद्रमा और इंदू टू हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं यू ऑल नो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हाथियों को झुंड में रहना पसंद होता है जिस तरह हाथी के समूह को झुंड कहा गया है उसी तरह अलग अलग वस्तुओं व जीवों के समूह को अलग अलग नाम दिया गया है जिस तरह झुंड मतलब क्या होता है ग्रुप को बोलते हैं हम तो झुंड किसका होता है सिर्फ हाथियों का होता है ओके जिस तरह हाथियों के झुंड झुंड को हाथ हाथियों के समूह को ग्रुप को हम क्या बोलते हैं झुंड बोलते हैं उसी तरह अलग अलग वस्तुओं के और अलग अलग जीवों के समूह को अलग अलग नाम दिया जाता है ठीक है वो क्या क्या नाम होते हैं अब हम पढ़ेंगे सेना की सेना का जो समूह होता है ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं टुकड़ी रिपीट आफ्टर मी टुकड़ी नेक्स्ट नोटों की गड्डी आप सभी ने सुना होगा ना नोटों की गड्डी सभी ने देखी भी होगी अंगूरों का गुच्छा आप सभी ने अंगूरों का गुच्छा भी खाया होगा नेक्स्ट व्यापारियों का कारवां व्यापारियों का क्या होता है रिपीट आफ्टर मी कारवां तीर्थ यात्रियों का जत्था रिपीट आफ्टर मी तीर्थ यात्रियों का जत्था नेक्स्ट लकड़ियों का बंडल लकड़ियों का बंडल कपड़ों का गट्ठर सभी ने देखा होगा ना आपने कपड़ों का गट्ठर घर में जब कपड़े धुलते हैं उसके बाद जब वो इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम कपड़ों का गट्ठर बोलते हैं ओके अनाज का ढेर अनाज का ढेर भी आपने शॉप्स पे देखा होगा या फिर खेतों में भी देखा होगा आपने भक्तों की मंडली भक्तों की मंडली फूलों का गुलदस्ता गुलदस्ता तो आप सभी ने देखा होगा ओके शब्दों का उनके अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं उनसे आपको क्या बनाने हैं वाक्य बनाने हैं उनके अर्थ के हिसाब से ओके पहला शब्द है दल दल का मतलब समूह भी होता है और कोमल पत्ते भी होता है ओके दल का मतलब क्या होता है समूह भी होता है और कोमल पत्ते भी होता है तो समूह से हम क्या वाक्य बना सकते हैं हमारा समूह सबसे बड़ा है हमारा समूह सबसे बड़ा है ओके नेक्स्ट इज कोमल पत्ते दल का मतलब कोमल पत्ते भी होता है तो इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं फूलों के पत्ते कोमल होते हैं फूलों के पत्ते कोमल होते हैं ना सॉफ्ट होते हैं पेड़ों के पत्तों की तरह हार्ड नहीं होते तो कोमल पत्तों को हम दल भी बोलते हैं नेक्स्ट इज फल फल को हम परिणाम भी बोलते हैं और फल को हम कोई फल जो भी आप फल खाते हैं वो सब भी क्या होते हैं फ्रूट्स को भी हम फल बोलते हैं तो फल परिणाम को भी बोलते हैं परिणाम से हम क्या वाक्य बना सकते हैं पढ़ाई कर कर या पढ़ाई करके अच्छे परिणाम आते हैं पढ़ाई करके क्या मिलता है अच्छा फल मिलता है ओके और कोई फल मतलब कोई सा भी फल हो सकता है तो आप यहां पे लिख सकते हो मुझे आम का फल पसंद है ओके डन ओके चिल्ड्रन सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास बाय बाय टेक केयर